हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप लोगों ने कोणार्क एंड पुरी टूर का वीडियो देख लिए होंगे, और अगर नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दिए गए लिंक पे क्लिक कीजिए और प्लीज़ देख लीजिए। आज मैं आपके साथ इस वीडियो में शेयर करने वाली हूँ मैं वहाँ से क्या क्या खरीदी थी, तो चलिए देख लेते हैं। और चीज़ दिखाने से पहले मैं आपको बोलूँगी मेरे साथ आप इस वीडियो पे एंड तक जुड़े रहिए, ताकि मैं आपको बता पाऊँ, एक छोटा सा टिप्स दे पाऊँ इस शॉपिंग का, यहाँ पे शॉपिंग करने के लिए क्या टिप्स चाहिए। सबसे पहले मैं आपको दिखाऊंगी कोणार्क से मैं क्या क्या शॉपिंग की थी। तो देखिए, यहाँ पे कोणार्क से मैं एक शोपीस जैसा ली हूँ, जहाँ पे चक्र है और दोनों साइड पे दो डांसिंग गर्ल है और कोणार्क लिखा हुआ है, इसीलिए मुझे बहुत पसंद आया, ताकि मेरा मेमोरी बन जाए। और ऐसा मैं और एक ली हूँ जिसमें वो डांसिंग गर्ल के जगह पर दो हॉर्स लगा हुआ है, और ये सब कुछ ही मुझे 40 रुपीज ईच मिला है। और मैं ली हूँ कोणार्क से ईयर रिंग, देखिए ये छोटा वाला एक पर्ल ईयर रिंग, ये 10 रुपये में मुझे मिल गया है। और इसके बाद मैं ली हूँ एक झुमका वाला इयर रिंग, देख लीजिए है ना सुंदर, ये 30 रुपीज में मिला है मुझे। और एक है ये वाला, ये मोरनी जैसा ब्लू कलर में ही है, ये भी 30 रुपीज का है ना, बहुत सुंदर। और अभी जो मैं आपको दिखाने वाली हूँ वो है सबसे स्पेशल कोणार्क का, देखिए काजू, वहाँ पे काजू का बहुत सारा पेड़ है, शायद वो इसीलिए वहाँ पे सस्ते में मिलता है, जो कि ये वाला मुझे मिल गया है 300 पर किलो, शायद नॉर्मल दुकान में 1000 रुपीज के करीब मिलता होगा पर किलो का, तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा, इसीलिए हम लोगों ने 2 किलो खरीद लिए हैं। अभी मैं आपको और एक चीज़ दिखाऊंगी जो मुझे बहुत अच्छा लगा, वो भी मुझे कोणार्क में सस्ते में मिल गया है, वो है खसखस। ये वाला मुझे 140 का 500 ग्राम मिला है, जो कि मैं तो बाहर से खरीदती हूँ 100 ग्राम का 150 रुपये में, ये वाला वहाँ पे मुझे बहुत ही कम में मिला है। और अभी तक ट्राई नहीं की हुई इसको, देखूँगी, ट्राई करूँगी बहुत जल्दी। अगर आप लोगों को जानना है कि कैसा लगा मुझे ये खसखस, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन पर ज़रूर पूछिएगा। और मैं अब जो चीज़ आपको दिखाने वाली हूँ, जो चीज़ ओडिशा पुरी घूमने आने टाइम सबके मन में होता है कि एक ये चीज़ जरूर लेंगे, वो है शंख। ये जो नॉर्मल वाला शंख है, ये तो घर पे पूजा के लिए रखा जाता है, ये मुझे 200 में मिल गया है, वहाँ पे कोणार्क से ली हूँ ये वाला। और मैं ली हूँ विष्णु शंख मैं 2 ली हूँ, ये देखिए, ये मुझे परीच 250 में मिला है। और इसका एक खासियत है कि जब आप चेक करेंगे, जब खरीदने जाएंगे, तो ऐसे कान में देने से इसमें समुंदर के लहर का आवाज़ आता है शाह शाह करके, तो इसलिए मुझे बहुत अच्छा लगा। और इसको बोलते हैं कि घर पे अगर रखने से ये शुभ होता है, तो इसीलिए हम ले लिए हैं। और एक शंख में ली हूँ, लेकिन वो ली हूँ मैं पूरी से, ये देखिए, ये भी 200 में मिल गया है, ये थोड़ा साइज़ में थोड़ा सा बड़ा है, ये नॉर्मल घर पे पूजा के लिए रखने के लिए, तो ये शंख लिए हैं। पूरी गए हैं तो जगन्नाथ जी को घर नहीं लाएंगे, देखिए मैं ले आई हूँ घर छोटा सा जगन्नाथ जी को, देखिए यहाँ पे मोरनी बैठे हुआ है दोनों साइड पे, और बीच में रथ का जो मुकुट होता है ऊपर वाला वो है, और उसके नीचे बैठे हैं जगन्नाथ जी। पूरी में और एक चीज़ जो फेमस है वो है एक फूड टाइप में आता है, जो बंगाली में इसको खास्ता बोलते हैं, एक मिठाई में आता है, तो इस खास्ता तो बंगाली में बोलते हैं, हिंदी में मुझे नहीं पता क्या बोलते हैं इसको, आपके लैंग्वेज में क्या बोलते हैं इसको, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा। और ये मैं ली हूँ 90 रुपये पर किलो, इसमें पर किलो में आपको 12 to 15 पीस आ जाता है, तो आप ये बहुत अच्छा लगता है। आप पूरी अगर आई है तो प्लीज़ ये वाला ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मेरा शॉपिंग का चीज़ दिखाना तो यहीं पे ख़त्म हुआ है। और मैं आपको शुरुआत में बताई थी कि मैं एक टिप दूंगी, तो वो टिप है कि यहाँ पे बार्गेनिंग बहुत चलता है, तो मैं तो ये सब बार्गेनिंग करके ही ली हूँ। और आज का वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा, और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।